बेगूसराय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। ये 400 पार इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, और इतना तो बहनों और भाइयों बात स्पष्ट हो चुका है, राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में चुनाव जा चुका है। जो राम भक्त हैं, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका साथ और सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राम द्रोही हैं, उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है। आप देख रहे होंगे उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और बहन और भाइयों किसी माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग रामद्रोही क्या सत्ता में जाएंगे क्या? क्या इनको जाने का अधिकार होना चाहिए क्या? बहन और भाइयों, बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी, नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागर्दी चरम पर थी, और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है, और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नए भारत का नया बिहार बनाना है, और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, और इसी के लिए आज मैं आपके पास बेगूसराय की इस पावन धरा पर आया हूं। महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरा है, मां गंगा का आशीर्वाद भी है, और साहित्य की देवी, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती जिनके स्वर में गूंजती थी, ऐसे महान कवि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन भी कर लो और आपका आह्वान भी कर लो। देखो आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, आपका सांसद विकास भी कराया, और बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके विकास भी कराया, और मूल्य और आदर्शों के साथ आपके लिए लड़ता भी रहा, हर मंच पर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। ऐसे प्रतिनिधि बार बार चुने जाने चाहिए, चुने जाने चाहिए कि नहीं चुने जाने चाहिए? चुने जाएंगे ना बहन और भाइयों। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करना कि घर घर जाए, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे प्रदेश के देश के बड़े नेता हैं, कई जगह उनको जाना होता है, इसलिए मेरी आपसे अपील होगी कि मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर और स्वयं गिरिराज सिंह बनकर के घर घर जाकर के घर घर जाइए, देश को बचाने के लिए आगे आइए। एक कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है, और यह छूट इनको कतई मत देना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में आरक्षण नहीं हो सकता है, और यह आरक्षण हमें धार्मिक आधार पर नहीं होने देना चाहिए। लालू जी के स्वर पर फूटी पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा, कहां जाएगा? और कांग्रेस ने एससी के आरक्षण को राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाकर के पहले ही सेंध लगाने की शुरुआत की थी। बहनों और भाइयों, इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है। और दूसरा महान पाप कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो सत्ता में आने पे अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार उनको खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है जो अल्पसंख्यकों को रुचिकर लगता हो और बहुसंख्यकों को नापसंद हो? भाई सत्तू तो सभी खाते हैं,
बाटी चोखा भी सभी खाते हैं, लेकिन एक में है हमारा बहुसंख्यक समाज, कहता हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीकार करेंगे क्या कांग्रेस की मंशा को? क्या जेडी की मंशा स्वीकार होगी? बहनों और भाइयों, नहीं होगी तो इस पाप के लिए इनको माफ भी मत करना, इनको माफ भी नहीं करना। जो लोग रामद्रोही है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जो लोग बिहार में अराजकता के कारण थे, ये चुनाव उनकी जमानत को जब्त करने का एक माध्यम बनना चाहिए। सहमत है? सहमत है? तो हम आश्वस्त होकर के मैं मोदी जी को बताऊं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह